हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू मम्मी के लिए। सच में भाई आज ना कुछ ज्यादा ही लेट हो गया और गाड़ियां बहुत ज्यादा पड़ गई मम्मी से। ए, मैं और अंकल लेके आए थे परसों लेके आए थे। ए, क्या बात है, हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरे चमक रहा हो गया चले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइस, कैसे आप लोग, आप बिल्कुल सही। सो भाई अभी हो रहा है मॉर्निंग, कितना बड़ा टाइम लगता है आपको, 9:15। हां भाई, आज ना मैं बहुत ज्यादा लेट उठा, बहुत ज्यादा लेट हो, क्योंकि एक्चुअली आज है करवा चौथ। फर्स्ट ऑफ ऑल करवा चौथ तो मम्मी को हम उसकी बधाई देंगे। सबसे पहले माता जी हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू मम्मी के लिए। सबसे पहले तो हैप्पी करवा। और भाई मम्मी हीटर लगा के बैठ गए और भाई तगड़े वाले ठंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस आज का सीन बता रही क्या कैसे कुछ रहने वाला है। फिलहाल तो आज मम्मी यहाँ पर घर पे होने वाले, मम्मी को आज उठा दूंगा काउंटर पे, कोई काम नहीं करवाना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आप काउंटर पे आराम से बैठे रहो, मैं करवाऊंगा थोड़ा सा काम ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत सा काम कम्प्लीट हो चुका है। और हमारा देख लीजिए वायरिंग का सामान भी आ गया है, और ये रसोई वगैरह का, किचन वगैरह का, ऑल ओवर जो फिटिंग वगैरह होगी वो सारा सामान आ गया है। आज आपको सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी मैं उठा ही हूँ यार, आज लेट हो गया उठने में, क्योंकि आज यार एक्चुअली मम्मी ने सुबह 4 बजे उठा दिया ना, कि जो सर्गी वगैरह खाते हैं उसके लिए फिर मैंने उठा दिया, फिर नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी सुबह 4 बजे, उसका फिर आराम से सो गया था, फिर मम्मी ने उठाया भी नहीं, क्योंकि आज मम्मी घर पर थे, मम्मी को पता है कि मम्मी है। बाकी अभी का सीना से कि सबसे पहले तो अपन नहा के आएंगे। वैसे पानी गर्म हो गया अभी अपना है घर में, तो मैंने पानी लगा दिया, पानी गर्म है, अब नहाएंगे सबसे पहले, नहाने का फिर देखते हैं कि क्या बनता है। फिलहाल तो अभी अंकल भी नहाए हुए और धूप अभी ठीक निकल रही है, वैसे तो यार मौसम ठंडा हो गया है लेकिन तब भी धूप मतलब निकल रही है, आज धूप सेकने का मन कर रहा है, मतलब ठंड हो गई यार पर ठीक ठाक है। तो पहले नहा लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। तो चलो बाकी ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन जरूर। तो चलो गाइस नहा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलो तो गाइस अपन हो गए नहा धो के बिल्कुल फ्रेश, और भाई आज ना कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई मम्मी से। आज अभी अरे 10:30 हो गया, 10:30 मतलब 10:30 बहुत लेट हो गया यार, आज आने बहुत लेट हो गया। गर्म गर्म ब्रेकफास्ट आ गया, चपाती और चाय, अपन तो वही करेंगे क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफास्ट करना नहीं है। अभी तो सुबह जल्दी चली गई है, अंकल जी भी आ गए हैं, तो भाई 10:30 हो गया, मैं तो फटाफट करूँगा ब्रेकफास्ट, थोड़े बहुत काम उनको निपटा के 11 के बजे 11:30 12 के अप्रॉक्स अंकल के पास चलते हैं ऊपर, फिर देखते हैं क्या क्या काम है। बाकी मम्मी भी नहाएंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे, क्योंकि मेरे पास वो भी लेट हो गया तो लाजमी डांट तो पड़नी थी। बाकी चलो डांट उंट खा ली है बढ़िया, अब खाना खाते हैं उसके बाद आराम से, फिर बाद में देखते क्या बता, मम्मी नहा लो के जब फ्रेश होंगे उनको यहाँ बिठा के फिर ऊपर चलते थे। सो गाइज अपन आगे ऊपर, और भाई देखो भाई काम अंकल ने पूरा कर दिया भाई, दरवाजे दरवाजे तो टोटल ऑल ओवर लग गए हैं, और भाई अब हो रहा है किचन का काम। तो चलते अंकल के पास, अंकल से पूछते क्या क्या सीन पानी बन रहा है। ये देखो भाई यहाँ से अपना ना ये वाला दरवाज़ा अंदर बाहर वाला ऑल ओवर सारे कर दिए हैं। बाकी अंकल यहाँ पर चल रहे हैं अंकल की कटिंग, और हमारे अंकल जान यहाँ कर रहे हैं कटिंग। ये बैठे हुए गुरुदेव हमारे, कैसा फील हो रहा है गुरुदेव? चकवा काम है। अच्छा तो बाकी आपने नाप नूप ले लिया वैसे अंकल जी? तो भाई अब ये सारे बोर्ड्स आए, मैं और अंकल लेके आए थे परसों लेके आए थे ना अंकल जी? हाँ, तो ये सारे बोर्ड हम लेके आए। बाकी अगला सीन ये है कि यहाँ पे ये सारे फिटिंग्स होगी अब ये किचन में, अब किचन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी यहाँ पर ये टोटल नीचे सारे लगेगा, उसके बाद वहाँ पर एक सेल्फ टेली की टोटल ऑल करके देखते कैसे बाद में इसका रिस्पॉन्स आता है लास्ट में। क्यों तो आपने ये क्या, ये अंकल लंबे लंबे फट्टे कटते हो सारे? हाँ जी लंबे कटेंगे सारे। कितने काट दिए आपने सुबह से? कितने काट दिए, 3-4 नहीं, अच्छा 2, अच्छा मतलब सारे काटने पहले, इतने तो नहीं है। हाँ तो ये कटेंगे इसके हिसाब से, जैसे जिस तरह से सेटिंग आएगी। अच्छा जिस तरह से सेटिंग आएगी उस तरीके से कटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो भाई ये देखो भाई यहाँ पर सामान देखो जाना पड़ रहा है, और वायरिंग का सामान भी आ चुका है। वायरिंग आई थिंक कि परसों से या कल तो नहीं होगा आई थिंक। हाँ वैसे उन्होंने बताया था, बोला था कि कल, एक दिन बाद लग जाएगा, 1-2 दिन बाद, देखते हैं कब से होता है। मेरे ख्याल से तो वैसे परसों से आएंगे वो, परसों या फिर चौथे से, आज है करवा चौथ। वैसे आंटी ने व्रत रखा है कल आज? ओहो तब तो आज आप जल्दी जाएंगे ना? जल्दी क्या करना, मतलब चांद तो लेट ही आएगा। चांद आएगा 10 बजे। हाँ चांद आएगा 10 बजे। वैसे तो भाई मतलब चांद में से जल्दी आता है, और जब मतलब करवा चौथ दिनों से बड़े लेट आता है चांद, बहुत लेट, और ये तो मतलब होता ही आया हुआ। बाकी अंकल भी लगे हैं कटिंग पे जोरों शोरों से। अच्छा ये वाला कटर है आपके पास, नहीं इससे काटेंगे? हाँ जी हाँ जी। एक तो दूसरा नहीं होता है जो आप बता रहे थे कि वो नहीं आपके पास बड़ी वाली मशीन? बड़ी वाली मशीन नहीं लगती ना इसमें। अच्छा इसमें छोटी लगती है? छोटी ओह तो इसमें छोटी मशीन सारा काम होगा,
फिर देखते अगला कैसा सीन बनते हैं, फिर तो चलेंगे थोड़ी देर में नीचे क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं। थोड़ी देर में अब नीचे आना है, 1 बजे तो खाना वगैरह भी कर लंच करना है। तो बाकी देखो यहाँ पर अंकल का सारा सामान, जाली वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पर, अंकल के सारे औजार वगैरह, और वहाँ पर शीशे भी लग गए हैं, यहाँ पर भी सारे शीशे लग गए हैं, जाली जुली लग गए, ऑल ओवर रेडी सब कुछ। तो बस अभी किचन का काम, फिर कुछ थोड़े काम बचते हैं वो भी कंप्लीट करके, इलेक्ट्रिसिटी का आई थिंक वायरिंग का काम कल या परसों से लग ही जाएगा, बाकी फिर वो भी देखते हैं कैसे सब कुछ सीन आने वाला है। तो चलो फिलहाल उनके साथ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। चलो सो गाइस, हो गया दिन और दिन के बज रहे इस टाइम कितने, 4 बजने को सिर्फ 10 मिनट। तो भाई अपन बैठे हैं भाई मम्मी के साथ, मम्मी यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं और आज हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। वैसे तैयार होने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहे थे हमें कि शाम के टाइम तैयार होंगे, लेकिन तब भी सही लग रहे हैं जच रहे हैं। बाकी अभी रितु स्कूल से आई नहीं, रितु आज लेट हो गई थोड़ी सी, एक्चुअली बस जो आनी थी वो बस आई नहीं, और अपन ऊपर से आ गए थे काम घूम कराया अंकल के साथ, उसके बाद खाना खुना खाया। मम्मी ने नॉर्मल दालें बनाई हुई थी, और रात को कुछ स्पेशल बना रहे हो? रात को भी दाल बनेगी, कड़ी कड़ी माँ चने की दाल और कड़ी, इसमें माँ की दाल खाते हैं शाम को। अच्छे से माँ की दाल खाते हैं। तो आज भाई करवा चौथ है, तो करवा चौथ में कुछ पूछते वैसे हमें होता क्या, मतलब करवा चौथ में क्या क्या सीन प्रोसीजर? आप अभी मेरे को बता रहे थे ना ये कि रितु लेट हो गई, उससे पूजा भी करवानी थी, कुछ मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे ना कि हाँ खुद या फिर खुद भी पूजा करनी, रितु की हेल्प होती ना, फिर ऐसा साथ में लेके खड़े होना चाहिए, एक बंदे को भी थाली लेके हाँ आप करो, इनका तो फिर सारे बंदे चाहिए ना प्रॉपरली कि हाँ सब ने ये काम करना है। तो फिलहाल अभी रितु आएगी तो वो रहेगी इन साथ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, फिर मम्मी वगैरह करेंगे। तो कुछ बता रहे थे तो पूछते क्या क्या सीन, तो बताओ क्या क्या सीन था सब कुछ जैसे करवा चौथ में। दिन में कोई पूजा होती है? 4:30 के बाद होगी आज। अच्छा 4:30 के बाद, मतलब इसकी अलग अलग टाइमिंग होती है? हाँ, इसका मुहूर्त होता है 5:30 तक इसका मुहूर्त है। हाँ। और हम 4:30 के बाद पूजा करेंगे, उसमें आपके फूल धूप अक्षत वगैरह सब कुछ सामान इकट्ठा करके जोत धूप जला के जो करवे होते हैं उनकी पूजा की जाती है और उनकी 4 फेर मिली जाती है। इतना ही मुझे पता, ज्यादा तो नहीं पता। अच्छा, और इसकी कथा होती है वो सुननी होती है। तो कथा कौन सुनाएगा? कथा कोई भी सुना सकता है। अच्छा तो मतलब ये सारा भाई प्रोसीजर होता है, मेरे को लगता था करवा चौथ सिर्फ सुबह व्रत करेंगे, रात को चांद देख के तोड़ेंगे, बस वही होगा ऑल ओवर इतना सा होगा, लेकिन भाई इतना कुछ प्रोसीजर है मेरे को भी पता लगा कि इतना सब कुछ मिलता है। तो दिन में भी इसकी पूजा होती है और फिर रात को जाके, मतलब दिन में कर्मों की पूजा होती है ना, उसका फिर रात को करवा चौथ का व्रत तब टूटा जाता है। और आज तो चांद बहुत लेट आने वाला है, और रही बात तो सबसे बड़ी बात है एक ही पापा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मनाली में बारिश के कारण लैंडस्लाइड जोन है, तो रास्ते बंद है, पापा आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वरना आ जाते अब आ नहीं सकते। तो चलो ऐसे ही इस बार ऐसे सही, तो फोटो देख के वीडियो कॉल में व्रत रहा जाएगा इस बार। चलो देखते क्या होता है, क्या क्या सब कुछ रहने वाला है आज, जो भी होगा आई होप सब सही हो। बाकी चलो अभी बैठते हैं मिक्सा, थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं, मम्मी तो आज पिए खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं है ना, आप लोगों को बनाती मैं चाय। फिलहाल आराम से, और टाइम हो रहा है 5 बजे लग गया, और मम्मी ने बनाई चाय, चाय के साथ अपना तो भाई स्नैक्स टाइम, तो भाई अपन खाते हैं अपना फेवरेट नट क्रैकर, और भाई एक नमकीन था ये भी खा रहे साथ में। फिर तुम स्कूल से आ गई और अपने बैठे हुए सिर्फ चाय वगैरह पीते हैं, और अंकल भी आए थे, अंकल तो आया नहीं ऊपर, तो पहले चाय पी के सीधे ऊपर जाते हैं अंकल के पास, थोड़ा सा काम करवाते हैं, फिर देखते क्या क्या अंकल ने अभी तक करा हुआ आपको भी दिखाते हैं। चलो सो गाइस अपन आ गए अभी बाहर, और भाई देखो बाहर का मौसम एक बार, और भाई अपने साथ बैठी मम्मी, मम्मी के फोटो शूट हो रहा था अभी, मम्मी के फोटो खींचे हमने बढ़िया वाले, और अब इसका सीन ऐसा है कि अपन चलेंगे अंकल के पास ऊपर, तब से नहीं गया हुआ यार। और देखो अभी पिकल वैली, जस्ट चेक दिस, अभी थोड़े दिन टाइम बाद ये सारा पेट हो जाएगा टोटल ऑल ओवर, फिर ये लास्ट व्यू देखेंगे कैसा रहता है ना, लास्ट में है ना कैसा रहता है। बाकी अपन भी बैठे हैं बाहर मम्मी के साथ, बाकी अभी क्या करेंगे, अगला सीन क्या है? खाना बनाऊंगा, अब तो खाना बनेगा, बाकी फिर चांद का वेट होगा, चांद यहाँ पर बहुत लेट आने वाला है, तो फिलहाल देखेंगे क्या सब सीन आते हैं, पहले चलते हैं अंकल पास ऊपर, अब है ना ऊपर जाओ ना, वैसे अब जाओ ना तुम्हें पास चलता हूँ ऊपर। सो गाइस अपन आ गए ऊपर, और अंकल भाई कितना काम किया अंकल ने भाई, देखो मतलब अंकल इसके कटिंग कुटिंग कर रहे हैं, और भाई ये चीज़ अंकल ने तैयार कर दी, ये लगेगी ये ऊपर जाके भाई, और इसके अब लिए अब इस चीज़ के लिए लग रहे हैं डोर्स, मतलब बंद होने के लिए इसके, मतलब जो दरवाजे टाइप वो बन रहे हैं। और अंकल हमारे यहाँ सिर्फ एक कमी है कि हाँ लाइटिंग ही करवाई यार पहले, अब लाइटिंग लगेगी कल से, अगर लाइटिंग होती ना तो सटासट जल्दी काम होना था, क्यों करी अगर लाइटिंग होती तो लाइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी अब अंकल लगाएंगे इसके दरवाजे, भाई यार मतलब बड़ा सही बना दिया अंकल ने, जस्ट चेक दिस यार, जस्ट चेक दिस, देखो एक बार चेक करो ये, अरे यार ये ना बड़ा एंगल, इसको छोटे एंगल लगा तेरे को जरा, हाँ जस्ट चेक दिस, पर यार जब 0.5x पे चलता है ना तो इसकी क्वालिटी कम बढ़ती है, नजदीक से दिखाती है, देखो ये चीज़ लगेगी ऊपर जाके,
यहाँ पे ऊपर रखेगी ये चीज। बाकी अभी यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की कमी है, अगर लाइट होती तो जल्दी काम हो जाता। हमारे अंकल जी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं अब इसके, अब पहले इसी का काम खत्म होगा ना अंकल? अब इसमें करना क्या, वैसे क्या क्या बचता है इसमें? इसमें अभी फिनिशिंग होगा इसके, इसमें वो क्या नाम सनमाइका लगेगा, अच्छा चैनल लगेगा, हाँ स्लाइडर लगेंगे, ओके और बिल्डिंग लगेगी सनमाइका टाइप। अच्छा इसमें स्लाइडर लगेंगे, स्लाइडर किस टाइप को लगेंगे इसमें, मतलब कैसे? इसमें ओपन रहेगा ना, हाँ हाँ इसमें शीशी स्लाइडिंग होगी। अच्छा शीशी की, हाँ और इसमें पर्दे लगेंगे, पर्दे, ओके पर्दे लगेंगे। तो ये तो कल ही होगा, कल परसों, परसों तक, परसों तक इसमें बड़ा टाइम लगेगा अभी। चलो कोई नहीं, हाँ हाँ बाकी ये तो कटिंग वटिंग तो जल्दी भी हो जाती है, फिनिशिंग में टाइम लगता है। तो अंकल कर रहे हैं यहाँ पे काम, तो अंकल के साथ कराते हैं थोड़ा बहुत काम, देख जो हमारे लायक करने लायक होगा फिर देखते हैं बाद में क्या बनता। तो चलो 2000 years later गाइस, होगी रात और भाई मम्मी हो गए बिल्कुल तैयार, जस्ट चेक ये चमक रहे अम्मी, हे क्या बात है अम्मी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे चमक रहे। और टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, अब जाके चांद आया, लेकिन यहाँ पर चांद आता नहीं तो हमारे को चांद देखने के लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। अभी क्या मामू जी को कॉल, मामू जी आ रहे हैं और बाकी जो ये सामग्री सब कुछ ये भी तैयार है। तो अपन चलेंगे यहाँ से, साथ में मम्मी के साथ मैं भी चलूँगा, रितु भी चलनी पड़ेगी, बाकी जैसे हम आते भी चलते हैं आपको चलते चलते फिर मत डालते मम्मी के कुछ थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स देखो और बताओ। सो गाइस हो रहा था मामू जी का वेट, मामा जी हमारे आ गए और अब मम्मी को भी लेके चलते हैं फटाफट यहाँ से। तो चलो चलो मम्मी। सो गाइस अपन आ गए यहाँ पर, मम्मी देख रहे हैं चांद, ये रहा चांद और ये आपा वीडियो कॉल पे आज। हो गया सब, पापा के वीडियो कॉल पे भी होगी बात। तो चलो अपन पहुंच के घर वापस और अब ना थक गए हैं और अपन मम्मी भी अब थक चुके हैं, तो हम बोले थे कि अब शॉप बंद कर देते हैं, 9:30 तो हो गए, 10 बजने वाले हैं, तो अप्रॉक्स हाँ बस मतलब 20-25 मिनट की बात है। तो अब सब थक ही गए हैं तो शॉप कर देते हैं बंद, फिर चलते हैं खाना वाना खाते हैं आज आराम से इत्मीनान से। तो पहले तो मैं शॉप बंद कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे सीधे खाने भी मिलते। तो चलो। सो गाइस मम्मी ने आज खाने में बनाया दाल चावल और कढ़ी। तो भाई अपन तो करते हैं बस ब्लॉग को यहीं पे एंड, खाना खाना खाएंगे और सो जाएंगे और आराम से, और देखते हैं कल अगले ब्लॉग में क्या सब कुछ होने वाला। आई थिंक कल वायरिंग वाले भी आ जाएंगे, तो देखते हैं जो सब कुछ होगा आपके साथ शेयर तो जरूर करेंगे। बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग से, बाय बाय, आई लव माय फैमिली, बाय।